हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अलीज़ा और मैं हूँ शबिस्ता। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रोटीन सूप की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है चिकन। तो मैंने लिया है यहाँ पर 300 ग्राम चिकन। और फ्रेंड्स, चिकन में लॉट्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन सूप। और प्रोटीन जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है। तो जब भी आपको चिकन सूप बनाना हो तो आपको हड्डी वाला चिकन लेना है। आपको बोटी वाले चिकन से चिकन सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो अभी जब भी आप सूप बनाएं तो आपको हड्डी के साथ चिकन लेना है। यहाँ पर ले लिया है मैंने 300 ग्राम चिकन, और उसमें हमें डालना है कम से कम 1 से 1.25 लीटर तक पानी। और चिकन जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वॉश करके लिया है। तो गाइज, यहाँ पर चिकन जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उबाल आना शुरू हो चुका है, और ऊपर जो आपको फैन जैसे नज़र आ रहा है, इनको हमें बिल्कुल से रिमूव करना है। तो आपको यहाँ लेना है 1 चम्मच, और इस तरह से आपको सारे फैन को निकाल लेना और इन फैन को आप फेंक दीजिए। तो इस तरह से आप सारे फैन जब निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। और गाइस, इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट, और सॉल्ट जो है वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डालना है, जितना आपको ठीक लगे। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 तेज़पत्ते। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चकली फूल, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्ची, 3 से 4 हमें लौंग लेना है, और 1 छोटा टुकड़ा लेना है हम यहाँ पर जावित्री का, और 4 से 5 कली हम यहाँ पर लेंगे लहसुन की। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 प्याज। अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का एक छोटा सा प्याज ले सकते हैं, और उसको आप रफली काट के डाल दीजिए। और 1 छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पर डालेंगे अदरक का, और इसको आप मोटा मोटा काट के डाल दें। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमें फ्लेम को हाई रखना है 30 सेकंड के लिए। और जैसे ही हाई फ्लेम पर इस तरह से 30 सेकंड के लिए पक जाए, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट के लिए हम चिकन सूप को अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो भी जूसेस वगैरह हैं वो पानी में अच्छे से आ जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सूप को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम चिकन सूप को चेक कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर जो प्रोटीन सूप हमने बनाया है चिकन के साथ, वो बनकर एकदम रेडी है। तो आप लोगों को मालूम है कितना ज़्यादा हेल्दी चिकन प्रोटीन सूप होता है। जब हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इस सूप को ज़रूर ट्राई करें, और ख़ास तौर से विंटर में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, बच्चों के लिए। तो आप ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को दें, और आप भी ज़रूर पिए, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, इन चिकन के पीसेस से अगर आप चाहें तो बोटी को भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा इम्यूनिटी बूस्टर चिकन प्रोटीन सूप बनकर एकदम रेडी है, और इस सूप को हम छान लेंगे अब। तो बस गाइस, गर्मा गर्म सूप इंजॉय करिए फैमिली के साथ। तो गाइस, इस सूप को आप एज ए स्टॉक भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे चिकन स्टॉक को हम बनाकर रखते हैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करने के लिए, तो आप इस तरह से भी बनाकर रख सकती हैं। 8 से 10 दिन फ्रिज में कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपको अपने बच्चों को एज अ प्रोटीन सूप देना है, तो आप इस तरह से बनाकर बच्चों को प्रोटीन सूप दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है चिकन सूप। तो आप इंजॉय करिए, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।